हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम PGCIL का एक प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। और ये जो पेपर है दोस्तों, ये TG2 का पेपर था, जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का। और ये पेपर दोस्तों 14/11/2018 को हुआ था। ये पेपर ज़रूर TG2 का था, टेक्नीशियन का था, पर ये पेपर सभी इलेक्ट्रिकल के लिए, चाहे वो डिप्लोमा किया हो, चाहे वो ITI वाला बंदा हो, सभी के लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस पेपर के एनालिसिस के बाद आप ये क्वेश्चन को, लेवल को या फिर क्वेश्चन को देख के आपको ज़रूर ये फील होगा कि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं आते थे। तो दोस्तों, ज़रा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, अ हाइड्रोमीटर इज यूज टू टेस्ट द डैश ऑफ अ सेल। दोस्तों, हाइड्रोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिससे हम किसी भी सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापते हैं। हाइड्रोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिससे हम किसी भी सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को बता देता हूँ यहाँ पे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कभी भी हाइड्रोमीटर की जो रेटिंग होती है 1.28 आए, तो इसका मतलब जो हमारा सेल है वो 100% चार्ज है, ठीक है। और अगर हमारा जो हाइड्रोमीटर की रीडिंग है वो जो है 1.25 है, इसका मतलब कि हमारा जो सेल है दोस्तों वो 75% चार्ज है। कभी भी हमारा हाइड्रोमीटर 1.22 आए तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेल है 50% चार्ज है। इसी तरह अगर रीडिंग हमारी हाइड्रोमीटर की 1.19 आए तो इसका मतलब हमारा सेल 25% चार्ज है। इसके अलावा अगर हमारा जो हाइड्रोमीटर की रीडिंग है 1.13 आए तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा जो सेल है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि हाइड्रोमीटर अगर पूरी तरह से चार्ज्ड है तो उसकी रीडिंग 1.28 होगी, 75% चार्ज होगा तो उसकी रीडिंग 1.25 होगी, 50% चार्ज होगा तो 1.22, और 25% चार्ज होगा तो 1.19, और अगर पूरी तरह से डिस्चार्ज होगा हमारा सेल तो हाइड्रोमीटर की रीडिंग 1.13। फुल चार्जिंग के केस में 1.28 और पूरी तरह से डिस्चार्ज के केस में 1.13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर आप दोस्तों जानते हैं कि सबसे अच्छा इंसुलेटर वही होता है जिसमें करंट का प्रवाह बिल्कुल ना हो, और करंट का प्रवाह बिल्कुल नहीं तब होता है जब हमारा रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस का जो ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा हुआ दो जो ऑप्शन है उसमें हाई रेजिस्टेंस है, और जो एक गुड इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है उसमें एक गुण ये भी होता है दोस्तों कि उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही हाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि फेज सीक्वेंस इंडिकेटर इज यूज टू आइडेंटिफाई फेज सीक्वेंस इन अ। दोस्तों, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर जो है वो 3-फेज सप्लाई में फेज सीक्वेंस को पता करने में इसका यूज किया जाता है। फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का यूज जो है 3-फेज सप्लाई में फेज सीक्वेंस को पता करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इंसुलेशन ऑफ LT केबल इज टेस्टेड एट द वोल्टेज ऑफ। यहाँ पे दोस्तों लो वोल्टेज की रेंज नहीं बतानी है, बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज आते हैं लो वोल्टेज की रेंज को, तो एक KV का ऑप्शन मार के चले आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इंसुलेशन ऑफ LT केबल इज टेस्टेड एट द वोल्टेज ऑफ, तो यहाँ पे लो वोल्टेज का इंसुलेशन टेस्ट जो है कितने वोल्टेज पे किया जाता है। तो यहाँ पे ये याद करने वाली चीज़ है दोस्तों कि 1100 वोल्ट पे इंसुलेशन लेवल टेस्ट किया जाता है लो वोल्टेज केबल का। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिलिकॉन, बोरान एंड जर्मेनियम आर विच टाइप ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सिलिकॉन, बोरान और जर्मेनियम जो है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सिलिकॉन का यूज़ जो है सेमी कंडक्टर में बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों कि अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा इसकी लीकेज करंट बहुत ही कम होती है। लीकेज करंट दोस्तों, अगर हम लीकेज करंट की बात करें तो इसकी जो लीकेज करंट की रेंज होती है दोस्तों वो नैनो एम्पियर में होती है, और जर्मेनियम के लीकेज करंट की रेंज की बात करें हम तो माइक्रो एम्पियर में होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिलिकॉन के लीकेज करंट की रेंज
नैनो एम्पियर में होती है और जर्मेनियम के लीकेज करंट के लिए दोस्तों माइक्रो एम्पियर में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किटकैट फ्यूज दोस्तों किसका बना होता है? तो हम सभी जानते हैं किटकैट फ्यूज दोस्तों पोर्सलिन का बना होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच टाइप ऑफ लैंप इज प्रिफर्ड फॉर सोलर लैंप? सोलर लैंप में किस लैंप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो सोलर लैंप में एलईडी लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब क्वेश्चन दोस्तों याद करने वाली चीज है, तो इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमानेंट कैपेसिटर मोटर इज यूज फॉर? परमानेंट कैपेसिटर मोटर दोस्तों यूज होता है सीलिंग फैन और टेबल फैन दोनों के लिए यूज होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो है सीलिंग एंड टेबल फैन दोनों के लिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रेंज ऑफ एन अमीटर मे बी एक्सटेंडेड बाई द यूज ऑफ? देखिए हमारे पास एक अमीटर है। अमीटर क्या करता है दोस्तों? करंट में मेजर, करंट को मेजर करता है। अमीटर का यूज हम किसी भी सर्किट में सीरीज में करते हैं। मतलब अगर हमें किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करना है तो अमीटर जो उपकरण होता है वो सर्किट के सीरीज में होता है। चलिए अब ये बात कर लेते हैं कि किसी भी अमीटर की रेंज हमें बढ़ानी। अब रेंज बढ़ाने का क्या मतलब होता है? सपोज कोई भी अमीटर मान लीजिए 10 एम्पियर मेजर करता है, उसकी जो मैक्सिमम जो मेजर करने की क्षमता है वो 10 एम्पियर है, और उसी अमीटर से अगर दोस्तों हमें 20 एम्पियर मेजर कराना है, 30 एम्पियर मेजर कराना है, तो हम उसे क्या करना होगा? तो दोस्तों इसका एक फंडा है कि जो भी अमीटर है हमारे पास, अगर हमें इसकी रेंज एक्सटेंड करनी है, बढ़ानी है, तो इसी के पैरेलल में एक कम वैल्यू का RSH संट रेजिस्टेंस, बहुत ही लो वैल्यू का संट रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं इसके पैरेलल में अमीटर के। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि ये जो संट होता है वो मैग्नीन का बना होता है। अब मैग्नीन का क्यों बनाता है? मैग्नीन का ही हम क्यों बनाते हैं संट को? तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो मैग्नीन होता है उसका टेम्परेचर कोफिशियंट 0 के इक्वल होता है, लगभग 0 होता है। एक बार UPPCL में ये क्वेश्चन आया भी था कि मैग्नीन का जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है वो कितना होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेंज होती है अमीटर की वो हम बढ़ाते हैं संट इन पैरेलल, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है लो वैल्यू का उसे अमीटर के पैरेलल में लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज ऑन 132 kV ट्रांसमिशन लाइन? देखिए हाई वोल्टेज लाइन यानी 132 kV की जो लाइन है वहाँ पे किस टाइप का इंसुलेटर यूज होता है? तो यहाँ पे दोस्तों हम डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज़ हम 132 kV लाइन के लिए करते हैं। अब डिस्क इंसुलेटर, और यहाँ पे दोस्तों जो एक ऑप्शन है पिन टाइप इंसुलेटर दोस्तों 33 kV तक इसका यूज होता है। पिन टाइप इंसुलेटर का 33 kV तक यूज होता है। साइकिल इंसुलेटर का यूज दोस्तों लो वोल्टेज के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। फॉर एक्सटेंशन ऑफ द रेंज ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अमीटर इन डैश एंड एज वोल्ट मीटर इन डैश। यहाँ पे दोस्तों देखिए हमें अमीटर का भी रेजिस्टेंस अमीटर का भी रेंज एक्सटेंड करना है, मतलब रेंज को बढ़ाना है, और वोल्ट मीटर का भी रेंज हमें बढ़ाना है। अभी इससे पहले जो मैंने एक क्वेश्चन आया था दोस्तों जहाँ पे हमें अमीटर का रेंज जो हमें एक्सटेंड करना था, उसमें मैंने आपको बताया था अमीटर का रेंज एक्सटेंड करने के लिए अमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अमीटर का रेंज एक्सटेंड करने के लिए एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा देते हैं। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे जो है वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंड करना है। वोल्ट मीटर क्या होता है दोस्तों? वोल्ट मीटर जो है किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर को हम किसी भी सर्किट के पैरेलल में लगा के ऑपरेट करते हैं। मतलब किसी भी सर्किट का हमें वोल्टेज मेजर करना होगा तो हम वोल्ट मीटर को उसी सर्किट के पैरेलल में ऑपरेट करते हैं। और रही बात वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंड करने की, तो हमें वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंड करने के लिए एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस, मल्टीप्लायर जिसे बोलते हैं हम, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में। ठीक है, मतलब हमें अमीटर का रेंज एक्सटेंड करना हो तो एक रेजिस्टेंस, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर मेजर करना हो तो हमें एक ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
इन अ सीरीज सर्किट द करंट फ्लोज इन हाउ मेनी डायरेक्शंस। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि सीरीज सर्किट में जो करंट फ्लो होती है वो कितने डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सीरीज सर्किट है तो करंट हमारी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। अब मान लीजिए हमारी सीरीज सर्किट है, ठीक है, अब यहाँ पे करंट एक ही डायरेक्शन में तो फ्लो होगी, ऐसा नहीं होगा कि करंट इस तरफ से भी आ रही है, इस तरफ से आ रही है, ठीक है। तो सीरीज सर्किट में करंट हमारी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ एन इंस्टॉलेशन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ एन एनी इंस्टॉलेशन, व्हाट शुड बी द मेगर रीडिंग इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में दोस्तों मेगर की रीडिंग क्या होगी। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में दोस्तों करंट बहुत हाई होती है और रेजिस्टेंस हमारा जीरो होता है, यानी हमारा जो मेगर होता है उसकी रीडिंग जीरो होगी। यहीं पे दोस्तों अगर ओपन सर्किट की बात करता तो हमारे जो मेगर की रीडिंग होती है दोस्तों वो इनफाइनाइट होती ओपन सर्किट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए दोस्तों, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बेसिकली हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सहायता से दोस्तों हम हाई वोल्टेज को मेजर करते हैं, और करंट ट्रांसफार्मर की सहायता से दोस्तों हम हाई करंट को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हमारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जनरली विच मेथड ऑफ अर्थिंग इज यूज इन इंडिया। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि कौन से अर्थिंग का यूज इंडिया में करते हैं। तो प्लेट एंड पाइप अर्थिंग, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडिया में दोस्तों प्लेट एंड पाइप अर्थिंग का यूज ज़्यादा करते हैं। जनरली विच मेथड ऑफ अर्थिंग इज यूज इन इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया में प्लेट और पाइप अर्थिंग का यूज ज़्यादा तौर पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज पोल पिच कैलकुलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि पोल पिच को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पोल पिच क्या होता है दोस्तों, पोल पिच इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, मतलब एक पोल में कितने स्लॉट होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर सपोज हमारे पास कोई ऐसी मशीन है जिसमें हमारे पास 18 स्लॉट की कोई मशीन है और हमारे पास दो पोल है, तो अगर आपसे कोई पोल पिच पूछे तो ये आपको बताना होगा कि नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल, तो 2 1 2 2 9 18, तो 9 हमारा जो पोल पिच हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पार्किंग अक्योर्स व्हेन अ लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज़ अ हाई इंडक्टेंस, ठीक है। स्पार्किंग दोस्तों मेनली इंडक्टेंस की वजह से होता है, तो हमारा जब भी लोड स्विच ऑफ होता है तो बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग क्यों होती है, सर्किट में हाई इंडक्टेंस की वजह से होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द स्पीड कंट्रोल ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर इज अचीव्ड बाई, देखिए स्पीड दोस्तों यूनिवर्सल मोटर की वेयरिंग द फील्ड फ्लक्स विद टैप्ड फील्ड। हम यूनिवर्सल मोटर एक सीरीज मोटर होता है, एक डीसी सीरीज मोटर की तरह, इसका एक बेसिकली एक डीसी सीरीज ही मोटर ही होता है, और इसमें कुछ सुधार करके इसका यूनिवर्सल मोटर की तरह यूज़ करते हैं, और इसकी स्पीड दोस्तों फील्ड फ्लक्स को वैरी करके कर सकते हैं। और फील्ड फ्लक्स को वैरी करेंगे कैसे करेंगे, इसकी फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको टैप्ड करके किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर दोस्तों एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपर मोटर आर मोस्टली यूज्ड फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों स्टेपर मोटर के बारे में बात किया है। स्टेपर मोटर दोस्तों मोस्टली यूज होता है कंट्रोल्ड सिस्टम एप्लीकेशन में। स्टेपर मोटर कंट्रोल्ड सिस्टम एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम स्टेपर मोटर के बारे में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर होता है कि हम स्टेपर मोटर को पढ़ के नहीं जाते, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ से, तो हम कर नहीं पाते हैं। चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। स्टेपर मोटर जो है मल्टी फेज मोटर होती है, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि स्टेपर मोटर दोस्तों मल्टी फेज मोटर होती है, ठीक है। स्टेपर मोटर कैसी मोटर होती है, मल्टी फेज मोटर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि स्टेपर मोटर दोस्तों डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की तरह बिहेव करती है। क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो स्टेपर मोटर दोस्तों डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की तरह बिहेव करती है, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों क्या क्वेश्चन क्या आता है, एक स्टेप एंगल का क्वेश्चन आ जाता है। स्टेप एंगल आपको फाइंड करना होता है, उसमें आपको
एम एस एन आर की वैल्यू दी रहती है। अब एम एस का क्या मतलब होता है दोस्तों, नंबर ऑफ स्टेटर फेज और स्टैक, और एन आर का मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ रोटर पोल, या कभी कभी नंबर ऑफ रोटर टूथ भी दिया रहता है। ठीक है, तो इसका जो होता है दोस्तों फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू 360 अपॉन एम एस इंटू एन आर। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टेपर मोटर से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और कुछ बता देता हूँ स्टेपर मोटर के बारे में। स्टेपर मोटर का दोस्तों जो रोटर होता है, पहली बात तो स्टेपर मोटर के रोटर में कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन है जो हर हर किसी को आनी चाहिए कि स्टेपर मोटर का दोस्तों जो रोटर होता है, हम स्टेपर मोटर के रोटर की बात कर रहे हैं, स्टेपर मोटर का दोस्तों जो रोटर होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट होता है। इसके अलावा दोस्तों स्टेपर मोटर के रोटर में नो वाइंडिंग्स, मतलब इसकी इसमें कोई वाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नो कम्यूटेटर, कोई कम्यूटेटर नहीं होता है, और नो ब्रशेस, कोई ब्रश नहीं होता है स्टेपर मोटर के रोटर में। ये एक जेबी गुप्ता का भी क्वेश्चन है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर्स आर देयर। डीसी मोटर के स्टार्टर मतलब कौन कौन सा स्टार्टर होता है डीसी मोटर में, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों तीन टाइप के स्टार्टर होते हैं, 2.3, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, मतलब तीन टाइप के स्टार्टर होते हैं डीसी मोटर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज, दोस्तों एटॉमिक नंबर कॉपर का होता है 29। ठीक है, 29 जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है कॉपर का, और कॉपर एक बहुत ही अच्छी धातु है, बहुत ही अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अलावा मैं दोस्तों एक कुछ चीज़ें और कॉपर के बारे में बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कॉपर हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कॉपर हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है, कॉपर हमारा एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। अब जब डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात आ गई है दोस्तों, तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है दोस्तों वो म्यू आर इज लेस देन 1 होती है। ठीक है, ये तो चलिए कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी को आता होगा। अब कंफ्यूज कहाँ होता है इंसान दोस्तों, डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से मटेरियल होते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लकड़ी, वुड होता है दोस्तों, ठीक है, कागज भी होता है, ठीक है, प्लास्टिक भी एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और बताता हूँ, सोना, चांदी, हीरा, मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, बिस्मत, लेड, वाटर, मर्क्यूरी, सिलिकॉन, एंटीमनी, सुपरकंडक्टर, ये सारे जो मटेरियल होते हैं वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, सोना, चांदी, हीरा, मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, बिस्मथ, लेड, वाटर, मर्क्यूरी, सिलिकॉन, एंटीमनी और सुपरकंडक्टर भी हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम में इंसान कंफ्यूज हो जाता है इन सारे मटेरियल्स को लेके, तो आप इसे निश्चित तौर पे याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट दैट पीरियोडिकली रिवर्स इज कॉल्ड, ठीक है, मतलब ऐसी करंट जो हमेशा एक पीरियड में रिवर्स होती रहती है, तो ऐसी करंट दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट होती है। ठीक है, जो इसका ग्राफ होता है दोस्तों कुछ इस तरह से होता है, ये बार बार रिवर्स होती है। और अगर हम बात यहीं पे डीसी करंट की कर ले दोस्तों, तो ये कांस्टेंट करंट होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन अ सीआरओ विथ अ स्विफ्ट टाइम ऑफ 10 मिलीसेकंड अक्रॉस द स्क्रीन द एप्रोक्सीमेट हॉरिजेंटल सॉटूथ फ्रीक्वेंसी विल बी। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करना है दोस्तों, सिंपल सी बात है, f इज इक्वल टू 1/30 मिलीसेकंड 10^-3। अब यहाँ पे आप जाएगा ऊपर कैलकुलेट करोगे तो 100 हर्ट्ज आपका आंसर आराम से आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ थ्री फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर कैन बी स्टार्टेड विथ अ, थ्री फेज इंडक्शन मोटर दोस्तों कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, बोथ मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन से भी स्टार्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर 5 HP तक यूज़ किया जाता है, या फिर कहीं कहीं पे 3.2 HP भी लिखा रहता है, और स्टार्ट डेल्टा 5 से 15 HP के बीच, स्टार्ट 5 से 15 या फिर कहीं पे लिखा रहता है 5 से 20, डिपेंडेंट ऑन ऑप्शन दोस्तों आपको उसको चूज़ करना पड़ेगा। इन सारे ऑप्शन में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन एग्जाम में दोस्तों आपको जो मिलेगा
वो नियरेस्ट ऐसा रहेगा कि आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। 5 से 20 भी आ सकता है, 5 से 15 भी आ सकता है, कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक दोस्तों बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन अ मूविंग सिस्टम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हेयर स्प्रिंग इज मेड ऑफ। मूविंग सिस्टम में दोस्तों जो हेयर स्प्रिंग होती है वो फॉस्फर ब्रांच की बनी होती है, ठीक है, फॉस्फर ब्रांच की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द गैस यूज्ड इन हैलोजन लैंप इज, हैलोजन लैंप में दोस्तों कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो हैलोजन लैंप में दोस्तों हैलोजन गैस का ही यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। टू वे स्विच आर यूज्ड इज, टू वे स्विच कहाँ पे यूज की जाती है दोस्तों? टू वे स्विच दोस्तों स्टेयर केस वायरिंग में इसका यूज किया जा सकता है। स्टेयर केस सीढ़ी वाली जो वायरिंग होती है दोस्तों, वहाँ पे टू वे स्विच का यूज किया जा सकता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आयरन निकल एंड कोबाल्ट आर डैश मेटल्स। देखिए अभी मैंने आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताया और यहीं पे तुरंत क्वेश्चन आ गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। चलिए मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आएंगे क्वेश्चन, वह बहुत ही आसानी तरीके से कर लोगे। चलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बता दूं दोस्तों, इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो दोस्तों वो एक से बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज ग्रेटर देन 1। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में पूछ लेता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको तब भी आंसर यही करना होगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होती है वो भी ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है और रिलेटिव परमिटिविटी होती है दोनों जो है एक से ज़्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी एक क्वेश्चन और आ जाता है कि क्यूरी टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर के नीचे अगर जो कोई भी मटेरियल, अगर सपोज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और उसे अगर हम हीट करते हैं और क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर उसको हम गर्म कर देते हैं तो वो जो मटेरियल है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है। कौन सी मटेरियल में चेंज हो जाता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल आते हैं। चलिए देखिए, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है दोस्तों उसमें आता है फेराइट्स। फेराइट्स क्या होता है दोस्तों? फेराइट्स दोस्तों एक बहुत ही हाई रेजिस्टिव मटेरियल होता है। इसका ट्रांसफार्मर में, हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर में को बना की कोर को बनाने में इसका यूज किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की कोर को बनाने में इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसमें आयरन है। आयरन के अलावा दोस्तों हमारा निकल है, ठीक है, निकल है, कोबाल्ट है हमारा, कोबाल्ट है, और आप और नोट कर लीजिए स्टील और एल्निको। स्टील और एल्निको, फेराइट्स, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील और एल्निको, ये सारे हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ ट्रांसफार्मर इज सेट टू बी वर्किंग एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन। ट्रांसफार्मर हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क कब करता है? ट्रांसफार्मर हमारा दोस्तों जब इसका आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क करता है। ठीक है, हमारा ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे तब वर्क करता है जब इसके आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों इक्वल हो जाते हैं। और एक चीज़ और इसके अलावा दोस्तों, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत ही हाई होती है। अगर कभी आपको मैथमेटिकली पूछ दे कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है तो 98% ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है। और कभी कभी क्वेश्चन और आ जाता है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा क्यों होती है? ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा क्यों होती है? तो इसका एक जवाब है कि ट्रांसफार्मर में जो रोटेशनल कोई पार्ट नहीं होता, घूमने वाले कोई पार्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर लॉसेस कम होते हैं और जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी हाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मास ऑफ मटेरियल डिपॉजिटेड ओवर एन इलेक्ट्रोड इज, देखिए मास ऑफ अ मटेरियल डिपॉजिटेड ओवर एन इलेक्ट्रोड इज, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फैराडे का दोस्तों, m = zit। अब इसी फॉर्मूले की सहायता से आप ऑप्शन में ढूंढिए, मैं आपको एक जगह लिख देता हूँ m = zit। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रपोजनल टू द करेंट ओनली। ऐसी कोई बात नहीं है, जो मटेरियल डिपॉजिट होता है वो सिर्फ प्रपोजनल करंट के नहीं होता। चलिए ये ऑप्शन तो हमने इलिमिनेट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, प्रपोजनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विवेलेंट। यहाँ पे दोस्तों जेड जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, जिसकी वैल्यू 96,500 होती है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, प्रपोजल टू टू द टाइम ओनली, तो सिर्फ टाइम के प्रपोजल तो होता नहीं है। लास्ट ऑप्शन जो दोस्तों है, प्रपोजल टू द वोल्टेज ओनली, तो वोल्टेज के प्रपोजल होता नहीं, तो ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट होगा दोस्तों वहाँ पर उसमें भी मैं 30 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और कितना बेनिफिशियल आपको लगी ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रीवियस ईयर की ज़रूरत हो, किसी भी प्रीवियस ईयर को आपको डिस्कशन की ज़रूरत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।